एसएम न्यूज की पहली एक खबर थी जिसमें लिखा था कि प्रधानमंत्री बांट रहे हैं लैपटॉप, और वो बिल्कुल फेक न्यूज थी, हमने उसका उजागर भी करा था। आज की बड़ी खबर ये है कि प्रधानमंत्री के नाम से वेबसाइट बनाकर जो ठगी करते थे उनका भंडाफोड़ हो गया है और वो अरेस्ट हो गए हैं। लेकिन हम आपको बता दें कि सीए के एक छात्र थे ये, जो प्रधानमंत्री के नाम से फर्जी वेबसाइट बनाकर लैपटॉप एवं सोलर पैनल मुफ्त देने का झांसा देकर कई लोगों को ठग लिया करते थे, और ये इस तरीके के काम कई बार कर चुके हैं। और कई बार अपने लोगों को पैसा मिले ना मिले, लोगों को लैपटॉप मिले या ना मिले, लोगों को सोलर मिले या ना मिले, लेकिन इनको पर डाउनलोडिंग 6 रुपये मिलते थे। 6 रुपये से इन्होंने लाखों का अपना एक बड़ा सर्कुलेशन इकट्ठा कर लिया और करोड़ों लाखों रुपए की अर्निंग कर ली। आरोपियों को स्पेशल सेल की साइबर ने धर दोपहर इसकी पहचान रोहित और सोनी 23 के तौर पर हुई है। फिलहाल आरोपियों को कोर्ट में पेश कर पुलिस ने जेल भिजवा दिया है। एक वरिष्ठ पुलिस ने बताया कि यूनिट को सूचना मिली थी कि पीएम के नाम से 2 फर्जी वेबसाइट बनी है। भारत सरकार के मेक इंडिया अभियान के तहत बने होने के दावा करने वाली ये वेबसाइट लोगों को भ्रमित कर उनसे जुड़ी जानकारियां भी जमा कर रही थी। इस दौरान मुकदमा दर्ज कर ACP आदित्य गौतम की देखरेख में इंस्पेक्टर सज्जन सिंह की टीम आरोपियों को धर दबोचा। छानबीन से पता चला कि रोहित कंप्यूटर को मोबाइल वेबसाइट डिजाइनिंग की जानकारी है। उसने 2016 में मोबाइल पर ही ब्लॉग शुरू किया। ब्लॉग लोकप्रिय हो गए जिसके जरिए उसने 6 से 7 लाख रुपए कमाए। 2 साल में 6-7 लाख रुपए कमाने वाला रोहित को ऐप्स की वेबसाइट के जरिए लोकप्रियता बनाकर रुपए कमाने का उपाय सोचा, जबकि मेक इंडिया के तहत होने का दावा करने वाले 2 वेबसाइट बनाई जिसमें लैपटॉप एवं फ्री सोलर पैनल देने की बात कही गई थी, और उसमें मल्टी मैसेज ऐप्स के जरिए वेबसाइट के लिंक को व्हाट्सएप ऐप्स पर शेयर करना जरूरी था। हम आपको बता चुके थे कि इस तरीके के जितने भी व्हाट्सएप फेसबुक यूट्यूब पे आप देखते हैं कंटेंट्स, उन कंटेंट्स को कभी भी आगे फॉरवर्ड ना करें। किसी भी मैसेज को भेजने से पहले उसकी सत्यता जांचनी बहुत जरूरी होती है। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।